हलारी थाली बनाएंगे तो उसके लिए हमने फ्रूट ले लिए हैं। तो हमारे पास अभी केले थे, एप्पल था और अनार था, नाशपाती बबुओसा, और आपके पास अंगूर हो और भी चीज़ें हो तो और भी ले सकते हो। तो इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे, सेब को छिलके काटेंगे, और ये 6 बड़े बड़े आलू लिए हैं, इसे बॉयल कर लिया है और इनको भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। इसकी फ्रूट चाट बनाएंगे और फ्रूट रायता बनाएंगे। ये फल हमने काट लिए छोटे छोटे, ये मैंने तो जो बताया था आपको वही लिया है, बाकी का आप अंगूर वगैरह भी ले सकते हो, जो भी आपके पास फ्रूट हो वो ले सकते हो। तो हम पहले रायता बनाते हैं। तो ये मैंने 400 ग्राम के करीब दही लिया है, पहले से मैं इसका लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा अनार डालते हैं, थोड़ा सा केला डालते हैं। मैंने इसमें हल्का सा नींबू का रस लगा दिया, हल्का सा नमक लगा दिया, इससे काले नहीं होते हैं फल। ये एप्पल डालते हैं थोड़ा सा, बब्बूगोशा है या नाशपाती भी बोल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, सैदा नमक है, ये व्रत वाला नमक है। ये एक छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, बाकी का आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो। ये थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी डालनी है चुटकी भर, ये आधी छोटे चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, एक चुटकी जीरा डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चीनी डालेंगे और बस इसे मिक्स कर लेते हैं। ये फ्रूट रायता बनके तैयार हो गया है। ये बाकी के जो बच्चे हैं इसकी फ्रूट चाट बना लेते हैं। व्रत वाला नमक डालेंगे, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं, ये छोटा चम्मच भर के डाला है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसमें चाट मसाला नहीं डाल सकते तो इसमें नींबू का रस डालेंगे हम। एक छोटा चम्मच भर के काली मिर्ची डाली है पिसी हुई, एक नींबू का रस डाला है इसमें, 1 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे बस, और इसे मिक्स कर देते हैं। और ये बनके तैयार हो गया है। अगर ग्रेप्स होते, मान लो अंगूर होते तो ये और अच्छा लगता, अभी हमारे पास अंगूर नहीं थे तो अंगूर नहीं डाले हैं। बनके तैयार है, कढ़ाई रख दी है हमने और गैस जला ली है, 2 चम्मच घी डाला है इसमें, पहले इसमें काजू डाल लेते हैं। उनको कलर बदल जाएगा तब तक भूनते हैं, और बहुत तेज गैस नहीं रखनी है नहीं तो जल जाएंगे काजू। मीडियम फ्लेम रखनी है हमने गैस की। तो काजू भून चुके हैं, उनको निकाल लेते हैं। अब इसी में हम मखाने डाल देते हैं, उनको भी भून लेते हैं अच्छे से। आप इसमें कम तेल घी भी डाल सकते हो। ये मखाने भी भुन गए हैं, आप जो भूनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कलर बदल जाता है इनका, क्योंकि तोड़ने पर तो करकरे जब होते हैं, जब हम ठंडे कर लेते हैं इनको, थोड़ा दबाने पर तोड़ेंगे तो थोड़े टाइट हो गए हैं। और गैस बंद कर दी हमने, इसमें हम ये काजू भी डाल देंगे जो हम काजू तल के रखे थे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। काली मिर्ची डालेंगे 1 छोटा चम्मच, बस ये भी तैयार हो गया है। अब हम आलू की सब्जी बनाते हैं, उसके लिए 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। आप व्रत की सब्जी में या तो मूंगफली के तेल में बनाइए, या घी में बनाइए, या तिली के तेल में बनाइए, बाकी और रिफाइंड होते हैं उनमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अनाज होता है एक तरह से, सोयाबीन का तेल होता है तो उसमें अनाज होता है, सरसों का होता है तो वो भी अनाज होता है। इसमें जीरा डाल देंगे,
हरी मिर्ची डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे हरी मिर्ची को, और साथ में मूंगफली भी डाल देंगे। मूंगफली आपके पास नहीं हो तो नहीं भी डालें, काजू भी डाल सकते हो उसमें। और ये भुन चुकी है, आप देख सकते हो ये चटकने लगती है, कलर भी बदल जाता है। हरी मिर्ची भी भुन गई है और मूंगफली भी भुन गई है। ये आलू डाल दिए हैं इसमें जो हमने छोटे छोटे काट के रखे थे, और मूंगफली आप अपने हिसाब से ज्यादा कम भी कर सकते हो, और नहीं हो घर में तो नहीं भी डालें। अब इसमें 2 छोटे चम्मच हम नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो। ये 2 छोटे चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे। आपको तले हुए आलू पसंद है तो आप घी या तेल ज्यादा भी डाल सकते हो, हमने थोड़ा डाला है इसमें। थोड़ी देर तक भूनेंगे इसे, इसमें थोड़ा थोड़ा गुलाबी हो जाएगा आलू, तो गैस बंद कर देंगे। फुल गैस कर रखी है हमने, और ये अच्छे से भुन गई है क्योंकि नीचे जलने लगी है। और ये आलू की सब्जी भी हमारी बन गई, जो हम फलारी थाली बना रहे थे उसका सारी चीजें बन गई हैं। और मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा गार्निश करेंगे ऊपर से। बस ये गैस बंद कर देते हैं और सर्व करके बताऊंगी आप। ये व्रत की थाली बनके तैयार हो गई है। ये सूखे आलू की सब्जी है, ये फ्रूट चाट है, ये काजू और मखाने हैं, और ये फ्रूट रायता है। तो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है ये, तो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।